समीकरण है उसको बदल देती है, क्योंकि अगर आप जीतते तो फिर आप न्यूजीलैंड का मैच इंपॉर्टेंट होता, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब पाकिस्तान जो है वो पॉइंट टैली पर पहले आ गया है, अब भारत को अगले संडे हराना है न्यूजीलैंड को अगर इस दौड़ में बने रहना है। और ये भी उम्मीद करनी है कि आपका नेट रन रेट, देखिए 13 गेंद से जब आप मैच हारते हैं ना, 13 गेंद से मैच हार के नेट रन रेट नीचे आता ही आता है। मतलब हार्दिक पांड्या साहब का तो वाकई में पता नहीं चल रहा कि वो इस टीम में क्या कर रहे हैं। इस टीम को जब चुना गया था, यूजी चहल को लेकर सवाल उठा था, उसका कोई जवाब नहीं मिला। आज शायद अगेन 152 परहैप्स ओस में चहल को विकेट ना मिलती, लेकिन आपने आज देख लिया पहले मैच में, आज आपने ये भी देख लिया कि अगर हार्दिक पांड्या को आपने एज बैट्समैन ही खिलाना है तो आपके पास ईशान किशन भी हैं। देखिए मैं पहले दिन से आपके साथ जब बात कर रहा हूं तो मैंने हमेशा यही बोला है कि ईशान किशन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो गेम को चेंज कर देते हैं अपने दम पे। पहले 6 ओवर में वे 60-70 रन बना सकते हैं, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बहुत ही वाजिब है, बहुत ही ज़रूरी है इस छोटे फॉर्मेट में, क्योंकि अगर लेफ्ट राइट रहेंगे तो आपका जो बॉलर है वो भी थोड़ा सोचता है कि कहाँ पे बॉल डालना है। और ईशान किशन जितना आपने भी देखा होगा आईपीएल में, मैंने कुछ उसको बॉलिंग की है तो मुझे लगता है कि काफ़ी डेंजरस प्लेयर है। और अगर वो ऊपर खेलेंगे रोहित शर्मा के साथ, विराट कोहली 3 पे खेलें, केएल राहुल 4 पे खेलें, और 5 पे अगर आपके यही ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या, अभी मुझे पता नहीं उनकी शोल्डर की सिचुएशन कैसी है, नहीं हो तो फिर सूर्य कुमार यादव को खिलाइए ना। सूर्य कुमार यादव देखिए नंबर 6 पे ड्रॉप कर सकते हैं अगर हार्दिक पांड्या ने बॉल नहीं करना, मुझे लगता है एज बैट्समैन, बिकॉज वो मजबूत। अगर आप देखें आईपीएल तो आप खेले हैं ना उनके खिलाफ भी, किसी आईपीएल के मैच में भी ऐसा नहीं लगा कि उनके पास वो खेल अब बचा है, क्योंकि गेंदबाज आप उनको उनके पाले में गेंद नहीं फेंकते हैं। नहीं देखिए ये हो सकता है कि उनकी जो बैक की इंजरी है वो बहुत ज्यादा इंजरी हो, जिसके कारण वो उनका वो बैटिंग में फ्लो ना आ रहा हो, ये तो टीम मैनेजमेंट क्या है, टीम मैनेजमेंट को देखना चाहिए। पर 6 नंबर पे आप मुझे बताइए, अगर आप उनको बाहर रखते हो तो 6 नंबर पे आप सूर्य कुमार यादव को अगर रेस्पेक्ट करते हो कि जाके वो 2-3 छक्के लगा दे, तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 6 नंबर की बैटिंग और 3 नंबर की बैटिंग में बहुत लंबा फर्क है, बहुत बड़ा।